नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रोला की परिभाषा और उदाहरण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंथ लेव, टेंथ के लिए क्लास टेंथ के लिए और आगे के लिए भी तो चलिए शुरू करते हैं रोला की परिभाषा पहले देख लेते हैं और उसके बाद हमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ भी लेंगे कि उसमें कैसे मात्राएँ लगाते हैं तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे हम यह एक सम मात्रिक छंद है रोला एक सम मात्रिक छंद है इसके प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह और तेरह मात्राओं पर यति होता होती है यति मतलब होता है विराम परेशान मत होइएगा कि यति क्या होता है यति मतलब होता है विराम तो ग्यारह और तेरह का विराम होता है मतलब ग्यारह फिर तेरह ऐसे मात्राएं होती हैं तो प्रत्येक ग्यारह और तेरह पे विराम होता है प्रत्येक चरण में तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसे आपको क्लियरली समझ में आ जाए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है तो चलिए इस पे इसमें क्या मात्राएं लगेंगी वो देख लेते हैं हम इसका ये नीलांबर नीलांबर यहाँ पे आपको पता है यहाँ गुरु आएगा यहाँ पे भी गुरु आएगा और यहाँ पे लघु आएगा और ये यहाँ पे लघु आएगा फिर यहाँ पे लघु लघु गुरु लघु तो गिन लेते हैं दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस और एक ये ग्यारह तो ये ग्यारह मात्राएं हो गई इसके बाद ये आगे देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे लघु 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 फिर यहाँ पे भी लघु लघु यहाँ पे भी ये भी लघु लगेगा और यहाँ पे आधा ना आधा यहाँ पे गुरु आ जाएगा और ये लघु और ये गुरु अब गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह मतलब इसमें ग्यारह था इसमें तेरह हो गया अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये बड़ा ऊ है तो यहाँ गुरु आएगा फिर यहाँ पे लघु आ जाएगा फिर यहाँ पे लघु आएगा यहाँ पे गुरु आएगा फिर यहाँ पे भी लघु 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 दो एक तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह यहाँ पे लघु लघु गुरु 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 लघु और ये गुरु तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो ये यहाँ पे ग्यारह तेरह फिर मतलब ऐसे ऐसे करके लाइन से ग्यारह तेरह का मात्राओं का विराम मतलब यति यति मतलब होता है ये विराम लगता है तो इस पे ये एग्ज़ाम्पल हो गया इसका तो मतलब तो उनमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रोला जो है वो समझ में आया होगा और ये परिभाषा में जो मैंने मात्राएं लगाई हैं ये भी समझ में आई होगी तो भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो मात्रा से रिलेटेड या फिर जो भी तो भी आप मुझे को कॉमेंट करके बताइएगा मैं जरूर ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की और ये मात्रा ज़रूर लगाइएगा एग्ज़ाम में क्योंकि इसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं और आपको एग्ज़ाम्पल परिभाषा के साथ एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म करती हूँ अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में अगर आपके पास कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में ना रहा हो एग्जाम से रिलेटेड सो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइएगा मैं ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की चलिए मैं मिलूंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए और दूसरे टॉपिक के लिए जो भी आपको चाहिए हो तो आप मांग सकते हैं या फिर जो भी मैं डालती हूँ वो आपको देखने के काम आए अगर अगर वो यूजफुल हो तो आप उसे देख सकें एटलीस्ट नोटिफिकेशन जाने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बैन को ऑन करना बेल को ऑन करना पड़ेगा चलिए मैं मिलूंगी अगली वीडियो में बाय बाय टेक केयर एंड All the best for your exam.